हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल माय नेम इज़ निकुंज पटेल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड हीटिंग एलिमेंट हीटिंग करने के लिए जो हीटिंग एलिमेंट होता हो, होता है जो अच्छा वाला होता है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए इसके बारे में सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट हाई स्पेसिफिक रजिस्टेंस जो गुड हीटिंग एलिमेंट होता है उसका स्पेसिफिक रजिस्टेंस हाई होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हीट विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फर्नेस हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का क्यों चाहिए इसका रीजन एक्सप्लेनेशन है कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर हीटिंग एलिमेंट का होगा तो जो वायर की लेंथ होगी वो कम हो जाएगी हीट प्रोड्यूस करने के लिए के लिए, के लिए जो वायर की लेंथ चाहिए वो कम होगी और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो फर्नेस का कॉस्ट होगा वो रिड्यूस होगा सो इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि गुड हीटिंग एलिमेंट का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए सेकंड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हीटिंग एलिमेंट का वो भी हाई होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस एलिमेंट परमिट्स टू अचीव हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग ऑफ एलिमेंट जो गुड हीटिंग एलिमेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए अगर वो अगर हाई होगा तब हम लोग हाई टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं विदाउट हीटिंग एलिमेंट जो होगा आपका वो मेल्ट नहीं होगा और हम लोग हाई टेम्परेचर जो है वो अचीव कर सकते हैं सो दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट सो गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए नेक्स्ट इज थर्ड इज़ फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो ऑक्सीडेशन उसका प्रोसेस उस ऑक्सीडेशन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिड्यूसिस द लाइफ ऑफ हीटिंग एलिमेंट लेस ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर एंश्योर द लॉन्ग लाइफ ऑफ फरनेस अगर हीटिंग एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी लाइफ कम हो जाती है कम से कम ऑक्सीडेशन होगा हाई टेम्परेचर के ऊपर तो आपका जो फरनेस है उसका भी लाइफ है वो ज़्यादा होगा सो तो गुड हीटिंग एलिमेंट शुड बी फ्री फ्राम ऑक्सीडेशन नेक्स्ट इज लो टेम्परेचर कोफिशियन टेम्परेचर कोफिशियंट जो है हीटिंग एलिमेंट का वो कम होना चाहिए लो टेम्परेचर कोअपिशंट एन्श्योर्स लेस चेंजेस ऑफ रजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट विथ राइज ऑफ टेम्परेचर विच मैंटेन्स द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ द चार्ज जो गुड हीटिंग एलिमेंट है उसका टेम्परेचर कोफ़िशन जो है वो कम होना चाहिए उसका रीज़न ये है कि अगर हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कोफिशेंट कम होगा तो जो रेजिस्टेंस के अंदर चेंजेस आता है विथ राइज ऑफ टेम्परेचर वो कम आएगा और जितना रेजिस्टेंस के अंदर टेम्परेचर चेंजेस कम आएगा उतना जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट मेंटेन हो पाएगा So, this is also required for required property for good heating element free from oxidation and low temperature coefficient. So, this is all about the properties of good heating element. Thank you for watching.